हजरत अली से किसी ने पूछा कि आपकी तलवार तो बहुत तेज है मगर आपकी सवारी बहुत सुस्त, क्या ये अच्छा हो कि आप सवारी भी तेज रख लें। हजरत अली ने फरमाया, तेज सवारी की जरूरत दो लोगों को होती है, एक वो जो मैदान से डरकर फरार होना चाहते हैं, दूसरा वो जो भागते हुए का पीछा करें माले गनीमत के लिए। मैं दोनों काम नहीं करता। एक शख्स ने मौला अली से पूछा कि या अली, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? किसी कोई अजनबी हम जैसे जानते भी ना हो, अक्सर वो हमारे दिल को अच्छा क्यों लगता है? मौला अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा की थी। वहाँ पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नज़दीक थी, वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। असल में रूहों के मिलने से मोहब्बत पैदा होती है। तीन चीज़ों में शर्म नहीं की जाती। नंबर एक, कोई मेहमान आ जाए, आपके पास पैसे ना हो तो कर्ज लेकर खूब खिदमत करें। नंबर दो, अपने माँ बाप और उस्ताद के अदाब में खड़ा होना, उसमें आप ही की इज्जत है। नंबर तीन, अपना हक मांगना भले ही वो कम क्यों ना हो। मौत के बाद तीसरे दिन नाखून गिर जाते हैं, चार दिन बाद बाल गल सड़ जाते हैं, पाँच दिन बाद दिमाग ख़त्म होना शुरू हो जाता है, छः दिन बाद मैदे और दीगर अज्जा बाहर निकल आते हैं, साठ दिन बाद हड्डियों के सिवा सब कुछ ख़त्म हो जाता है।